हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं कॉलेज अपडेट्स। तो देखिए, आज मैं डिस्कस करूँगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय या दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो न्यू एडमिशन है 2022 सेशन के लिए, वो कब से शुरू होंगे। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इस साल अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। पहले क्या होता था, पहले आपके ट्वेल्थ में जितने भी परसेंटेज रहती थी उसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ आती थी। जिस भी मेरिट में आपका नाम आता था उसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता था। बट इस साल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस स्कीम को ख़त्म कर दिया गया और अब जो न्यू पॉलिसी लागू हुई है उस पॉलिसी में ये बोला गया है कि जो आप CUT दे रहे हो, क्योंकि CUT का एग्ज़ाम तो 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, जो CUT आप दे रहे हो, इन CUT को देने के बाद जो आपकी नंबर इन CUT एग्ज़ाम में आएंगे, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएंगे, उन एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो मार्क्स है उसी के अकॉर्डिंग आपको इन दिल्ली विश्वविद्यालयों के जो कॉलेज है, जो रेगुलर कॉलेज है, उनमें एडमिशन आपको मिलेगा। ये आपकी परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज दिया जाता है। अगर आप BA ऑनर्स कर रहे हो तो BA ऑनर्स में आपकी कितनी परसेंटेज आती है, अगर आप BA प्रोग्राम से करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग कितनी परसेंटेज आती है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो न्यू एडमिशन है वो कब से स्टार्ट होंगे, प्लस अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए कितने लोगों ने CUT के लिए अप्लाई किया है। तो CUT में जो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम जो दे रहे हो उसमें 7 लाख स्टूडेंट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को चूज़ किया है यूनिवर्सिटी के तौर पर, यानी कि 7 लाख स्टूडेंट आपके रेस में है, आपके कॉम्पिटिटर है मान के चलिए। और 7 लाख स्टूडेंट में जो सीट्स मिलेंगी, 70,000 सीट्स टोटल, 70,000 सीट्स के लिए 7 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं। अभी जो 7 लाख स्टूडेंट है, इन्हीं में से 70,000 स्टूडेंट को ही एडमिशन मिलेगा दिल्ली विश्वविद्यालय के रेगुलर कॉलेजेस में। अब सबसे बड़ी चीज़, इसका जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कब से शुरू होगा। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय, अगर आपने फिल किया है एंट्रेंस एग्ज़ाम में और अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा चैनल आपको दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। तो मैं आप सभी को बता दूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के जो न्यू एडमिशन है 2022 के लिए, वो आपके सेप्टेम्बर के 2nd वीक से स्टार्ट होंगे। दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आपका CUT हो रहा है, अगस्त तक CUT चलेगा, अगस्त के लास्ट वीक तक आपका इसका रिजल्ट आएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी मेरिट बनेगी, दैन उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के जो एडमिशन है वो ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों में स्टार्ट किए जाएंगे। तो सेप्टेम्बर के 2nd वीक से आपके दिल्ली विश्वविद्यालय न्यू एडमिशन शुरू होंगे रेगुलर कॉलेज के। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रेगुलर कॉलेज की, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना देखा हुआ है, तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि सेप्टेम्बर तक आपको वेट करना होगा, क्योंकि रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। एग्ज़ाम आप दे दोगे 1 से 1.5 महीने बाद रिजल्ट आएगा, तो सेप्टेम्बर के दूसरे हफ्ते में आपकी जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, वो शुरू कर दी जाएगी। और जैसे ही एडमिशन आपके शुरू होंगे हम आपको अपडेट कर देंगे। तो बाकी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले। थैंक यू सो मच।